जर्मन शेफर्ड डॉग यानी जीएसडी। जीएसडी बहुत ही शानदार डॉग होता है, बहुत ही लॉयल होता है, बहुत ही स्मार्ट होता है, बहुत ही इंटेलिजेंट होता है। जीएसडी वर्किंग क्लास भी होता है और शो डॉग भी होता है। जीएसडी पुलिस और मिलिट्री में भी काम करता है और दोस्तों आपका एक बहुत शानदार कंपेनियन भी होता है। जीएसडी बहुत ही शानदार गार्ड डॉग भी होता है और जीएसडी आपका बहुत ही प्यारा पेट डॉग भी होता है। पर दोस्तों जीएसडी इतने सारे काम कर सकता है तो आपके लिए कौन सा जीएसडी, कौन सा जर्मन शेफर्ड सूट करता है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। अब आप बोलोगे कौन सा जीएसडी, मतलब जर्मन शेफर्ड तो एक ही टाइप का होता है, जर्मन शेफर्ड डॉग जीएसडी यही सुना है हमने। पर इस वीडियो में मैं आपको 5 टाइप्स ऑफ जर्मन शेफर्ड बताऊंगा, यानी 5 तरीके के जर्मन शेफर्ड डॉग। अब आप खुद ही चुन लीजिएगा कौन सा टाइप का जर्मन शेफर्ड डॉग आपके लिए सूट करता है। तो द अल्टीमेट चैनल में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। ये वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो के द्वारा आपको। पहले टाइप का जीएसडी यानी पहले टाइप का जर्मन शेफर्ड है वेस्ट जर्मन वर्किंग लाइन जीएसडी। दोस्तों अगर आपको गुड लुक ज्यादा मैटर नहीं करता, आपको टेम्परामेंट मैटर करता है तो ये डॉग आपके लिए है, ये वाला जीएसडी आपके लिए है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सुंदर नहीं होते, ये भी बढ़िया होते हैं, पर इनका मेन फोकस होता है टेम्परामेंट पे। ये जो वेस्ट जर्मनी वर्किंग लाइन डॉग है ये हमेशा कुछ ना कुछ काम करने को ढूंढते रहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक और बहुत ही इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड होते हैं। ये कंपैरेटिवली दूसरे जर्मन शेफर्ड टाइप से थोड़े छोटे होते हैं पर बहुत तेज़ होते हैं। इनको हमेशा कुछ ना कुछ काम करने के लिए चाहिए। ये घर में बैठे रहने वाले डॉग्स नहीं हैं। अगर आप इनको घर में बिठा के रखोगे, प्यार करने टाइप का आप कोशिश करोगे तो वो वाले डॉग नहीं है ये वाले जीएसडी। अगर आपके पास बहुत बड़ा खेत है, बहुत बड़ी ज़मीन है, तब ये डॉग आप ले सकते हो। अगर आपको एक बहुत बेहतरीन गार्ड डॉग चाहिए या उसको काम कराना है, आपको भगाना है, काफ़ी एक्सरसाइज करानी है, तब ये डॉग आप ले सकते हो। अगर एज अ पेट डॉग रखना है, घर के अंदर रखना है, फ्लैट में, अपार्टमेंट में आप रहते हो, बहुत जगह नहीं है आपके पास, तो ये डॉग आपकी चॉइस नहीं हो सकती। क्योंकि दोस्तों अगर आप इससे काम नहीं कराओगे, इसको एक्सरसाइज नहीं दोगे प्रॉपर, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं दोगे, तो ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बन सकता है। क्योंकि इसमें बहुत एनर्जी होती है और ये एनर्जी निकालना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके लिए इसको काम करने के लिए ही बनाया गया था। जर्मन शेफर्ड का दूसरा टाइप है ईस्ट जर्मन DDR GSD, ईस्ट जर्मन वर्किंग लाइन GSD। दोस्तों ये भी वेस्ट जर्मन वर्किंग लाइन डॉग की ही तरह है, पर ये थोड़ा सा और एनर्जेटिक होता है और ये डार्कर इन कलर होता है, कभी कभार तो ये पूरा काला भी हो सकता है। पर दोस्तों ये वेस्ट जर्मन वर्किंग लाइन से अलग इस मामले में है कि ये बच्चों के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर दोस्तों आपके घर में छोटा बच्चा है तो ये डॉग कभी मत लाइएगा अपने घर में। ईस्ट जर्मन वर्किंग लाइन जीएसडी, खाली इसकी बात कर रहा हूँ, बाकी जीएसडी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ईस्ट जर्मन वर्किंग लाइन जीएसडी अगर आपके घर में बच्चा है तो लाना सही नहीं इसलिए होगा क्योंकि ये बच्चे को अपना प्रे समझ सकता है, अपना शिकार समझ सकता है, और अगर इसके सामने बच्चा चिल्लाएगा तो इसको लगेगा भाई मुझे इसका शिकार करना है, इसको पकड़ना है। तो हो सकता है कि अगर आप सही ट्रेनिंग या सही एक्सरसाइज या फिर इसको रोज़ कुछ ना कुछ काम नहीं दे पाए तो हो सकता है ये आपके ऊपर ही एग्रेसिव हो जाए। इसके दोस्तों मसल्स बहुत स्ट्रांग होता है, भागता बहुत तेज़ है और काम बहुत ही एनर्जी से करता है। पर दोस्तों इसके लिए भी बहुत बड़ी जगह चाहिए, किसी भी वर्किंग लाइन डॉग के लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए होती है। फ्लैट्स, अपार्टमेंट में, हमारे दिल्ली मुंबई जैसे शहरों के लिए ये डॉग नहीं होता। ये जो डॉग है ये सोवियत यूनियन के ज़माने का डॉग है और इसको उसी हिसाब से ट्रेन और ब्रीड किया गया था कि ये रेस्क्यू ऑपरेशंस और बॉर्डर में पेट्रोलिंग करने के काम आए, और उसी काम में ये एक्सपर्ट होता है। ये बहुत बेहतरीन पेट डॉग नहीं होता। इसके साथ साथ दोस्तों इसमें एक और ख़ास बात होती है कि ये डॉग, ये जो ईस्ट जर्मन वर्किंग लाइन जीएसडी है, ये किसी भी वेदर कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है। इसीलिए इसको मिलिट्री में ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि ये किसी भी कंडीशन में रह लेता है, कड़ी धूप हो या कड़ी ठंड हो, ये किसी भी वेदर कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है। तीसरे टाइप का जर्मन शेफर्ड होता है चेक रिपब्लिक वर्किंग लाइन जीएसडी। दोस्तों नाम से ही जैसे पता लग रहा है ये चेक रिपब्लिक का टाइप, ये चेक रिपब्लिक में इस टाइप को बनाया गया था। चेक रिपब्लिक यूरोप का ही एक कंट्री है।
जर्मनी के पास है। ये जो टाइप का जीएसडी होता है ये और ज़्यादा एनर्जेटिक होता है क्योंकि ये बाकी जर्मन शेफर्ड से थोड़ा पतला होता है। इसके जॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और इसका प्रे ड्राइव भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ये हमेशा शिकार की खोज में ही रहता है। अगर दोस्तों आप कभी इस जर्मन शेफर्ड को पालते हैं तो इतना याद रखिएगा कि अगर आप इसको प्रॉपर ट्रेनिंग और बहुत ही एक्सेसिव एक्सरसाइज नहीं कराएंगे तो ये बहुत ज़्यादा भड़क सकता है। ये कुछ भी चबा जाएगा आपके घर में, वो हमेशा शिकार के खोज में, भागने के खोज में होता है। तो ये आपके घर में कुछ भी चबा जाएगा, एक्सेसिव बार्किंग करेगा और मतलब बहुत मुश्किलात हो जाएगी आपके लिए। तो ये जो जितने भी वर्किंग लाइन डॉग्स हैं वो या तो बहुत बड़े एरिया है आपके पास, खेत खलियान है आपके पास, बहुत एक्सरसाइज आप करा सकते हैं, आप खुद बहुत एनर्जेटिक है, बहुत दिन रात भागा दौड़ी करवा सकते हैं, कुछ ना कुछ टास्क दे सकते हैं, तो लीजिए, वरना कोई फ़ायदा नहीं है, ये फालतू में आके एग्रेसिव हो जाए। तो अगर आप शहरों में रहते हैं तो ये तीनों वर्किंग लाइन डॉग आपके लिए नहीं है, तीनों वर्किंग लाइन जीएसडी आपके लिए नहीं है। ये मिलिट्री, सर्च एंड रेस्क्यू, जो बॉम्ब स्क्वाड, इन सब में ये ज़्यादा यूज़ होते हैं। पर अब दो जो मैं बताने वाला हूँ ये है हमारे घरों के लिए पेट डॉग। चौथे टाइप का जर्मन शेफर्ड है अमेरिकन शोलाइन जर्मन शेफर्ड। दोस्तों ये सबसे कॉमन जर्मन शेफर्ड होता है, ब्लैक एंड टैन इसका कलर होता है, जो आमतौर पे हम अपनी लाइफ में देखते हैं। आमतौर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो जर्मन शेफर्ड देखते हैं वो ज़्यादातर अमेरिकन शोलाइन जर्मन शेफर्ड होता है। ये तो बहुत इंटेलिजेंट होता ही है, साथ में अच्छा गार्ड डॉग भी होता है और बहुत शानदार पेट होता है। जर्मन शेफर्ड जो नॉर्मल जो अमेरिकन शोलाइन जर्मन शेफर्ड है उसको आप अच्छे से ट्रेनिंग दीजिए, उसको अपने घर में रखिए, वो बहुत अच्छा डॉग है, उससे बेहतरीन डॉग हो ही नहीं सकता। काफ़ी अच्छा पेट है, बच्चों के साथ भी वो काफ़ी अच्छा रहता है। और जो तीन मैंने वर्किंग लाइन डॉग्स बताए उनसे कम एनर्जी है इसमें, उतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी की ज़रूरत नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसको एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है, इसको भी एक्सरसाइज की ज़रूरत है, वॉक की ज़रूरत है, पर उतने लेवल पे नहीं जितना ये तीन वर्किंग लाइन डॉग्स को चाहिए होता है। ये आपके घर में भी, अपार्टमेंट में भी काफ़ी अच्छे से रह सकता है। और दोस्तों पाँचवें टाइप का जर्मन शेफर्ड है ईस्ट जर्मन शोलाइन जीएसडी, या उसको यूरोपियन शोलाइन जीएसडी भी बोला जाता है। ये इन पांचों जर्मन शेफर्ड में से सबसे सुंदर जर्मन शेफर्ड होता है। ब्लैक और टैन तो होता ही है, पर इसका टैन जो होता है वो थोड़ा डार्क होता है और थोड़ा रेडिश की ओर जाता है। अगर डॉग शो वगैरह के लिए लेना चाहते हैं तो ये सबसे बेहतरीन शोलाइन जीएसडी होता है। इसका जो टेम्परामेंट होता है ये भी काफ़ी घरेलू होता है, ये अपने फैमिली को हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए देखता है, ये बच्चों के साथ बहुत अच्छा होता है, ये अपने कंपेनियंस के साथ, अपने घर के लोगों के साथ काफ़ी फ्रेंडली होता है, ये बहुत प्यारा होता है, इसका आराम से आप प्यार कर सकते हैं, ईजिली इसको अपना पेट डॉग बना सकते हैं, घर पे या अपार्टमेंट वगैरह में भी आसानी से रह लेता है। और इन पांचों में से सबसे कम एक्सरसाइज, सबसे कम भागा दौड़ी इसी को चाहिए होती है, तो इसीलिए सबसे बढ़िया कंपेनियन, सबसे बढ़िया पेट डॉग ईस्ट जर्मन शोलाइन जीएसडी होता है। पांचों बेहतरीन जीएसडी है, पर आपके नीड के हिसाब से कौन सा आपको लेना चाहिए ये आपके ऊपर है। तो इस वीडियो से उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और किस टॉपिक पे वीडियो बनाए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। जय हिंद।